तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, उसकी सहायक क्रिया वगैरह क्या होती हैं और किस तरह के वाक्य रहते हैं और कैसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्यों को, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लेना जरूर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए फिर आज मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, यहाँ पीसी का मतलब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसों को यानी कि सकारात्मक वाक्यों को बताने वाला हूँ कि सकारात्मक वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को दबा लेना, क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज, हमारे चैनल में इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज मिलती हैं एंड स्पोकन इंग्लिश की वीडियोज भी मिलती हैं, दोनों वीडियो मिलती हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो पिछली वीडियो मैंने आपको समझा दिया था कि इज का प्रयोग कहाँ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है, आर का प्रयोग कहाँ होता है। यहाँ पर मैं केवल सकारात्मक वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में बनाना सिखाता हूँ आपको, और एग्जांपल दूंगा इसके बस 10-12 एग्जांपल। जैसे कि वह खाना खा रही है, देखो तो वह के लिए रही है, रही है से आप पता चल जाता है कि लड़की है, अगर रहा है तो लड़का होगा। तो यहाँ पर सी 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 में वह होता है लड़की के लिए, तो सी इज ईटिंग फूड, ईट। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट लिखना है हमें, सब्जेक्ट के बाद फिर इज एम आर लिखना है, और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, यानी कि क्रिया के साथ आई एन जी हमें लगाना है, ठीक है। यहाँ पर एज एम आर में से कोई एक, तो यहाँ पर हमने एज लगा लिया, फिर ईट, और ईट में हमारा आई एन जी लगेगा तो ईटिंग हो जाएगा, ईटिंग। तो सी इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही है। जैसे कि हम बाजार जा रहे हैं तो हम को इंग्लिश में कहते हैं वी, फिर वी के साथ आर लगता है, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट। फिर एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं क्या कहूंगा, यहां पर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा वाक हो जाएगा तो अच्छे समझना है। इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो आई पढ़ाता हूँ नहीं, पढ़ा रहा हूँ, हम कंटीन्यूअस टेंस में हैं, तो पढ़ा रहा हूँ, तो आई के साथ एम लगता है, तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, है ना, या फिर मैं ऐसे बना सकता हूँ इसको, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ किसको, आपको, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू, ठीक है ना। जैसे आप किसी और को पढ़ा रहा होता तो यहाँ पर मैं टू हर लिख देता, टू हिम, टू देम, ओके। तो यहाँ पर जब भी हमें किसी को यानी किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को हम कोई काम करा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, तो हम उनको लास्ट में जोड़ देते हैं टू से, ठीक है। तो ये थे एग्जाम्पल और अफर्मेटिव सेंटेंस की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो जो अगला वीडियो है, हमने उस पर एग्जांपल 10-12 एग्जांपल कवर किए हैं इसी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के, इनकी सकारात्मक वाक्यों के केवल एग्जांपल कवर किए हुए हैं। सो उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना।